मित्रों, मैं आपको कल जो है आपके स्पर्श पाठ पुस्तक हिंदी में पहली जो आपकी पाठ पुस्तक है स्पर्श भाग एक में जो काव्य विभाग में पहला पद चैप्टर जो है पद यानी उसके कवि जो है रैदास कवि। तो रैदास कवि के बारे में आप लोगों को मैंने कल समझाया, कवि का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक देन, काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो सब मैं आपको कल समझाया था। और रैदास कवि जो है एक मध्ययुगीन जो कवि थे वे किस प्रकार के संत थे इसके बारे में मैं आप लोगों को कल बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रैदास कवि के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो आगे मैं आपके पाठ पुस्तक में जो पहला जो है आपकी पद जो है उसके बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ, उसका भावार्थ समझा रहा हूँ और उसका अर्थ विश्लेषण करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अब कैसे छूटे राम रट लागी। रैदास कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण करते हुए, आपके नाम को रटते हुए जो रट मुझे लग गई है, अब वह किस रस से छूट सकती है, क्योंकि मैं आपके नाम का स्मरण कर, मैं आपसे भक्ति करता हूं, मैं आपका भक्ति कर रहा हूं, तो आप के भक्ति करते हुए जो आपके नाम का स्मरण मैं कर रहा हूं, ये रट जो है वह छूट नहीं सकती है। आगे उन्होंने कहा कि प्रभु जी, हमारा और आपका ये जो संबंध जो है, मैं आपसे इस तरह से संबंध बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी, आपसे भक्ति करते हुए हमारा और आपका संबंध ऐसे है जैसे चंदन और पानी का संबंध होते हैं। जिस तरह से चंदन जो है पानी में अगर घिसा जाता है तो पानी के संपर्क में आने से उसकी जो चंदन की सुगंध जो होती है पानी में फैल जाती है, और उसका लेप जब शरीर में लगाया जाता है तो पूरा उसका शरीर जो सुगंधित हो जाता है और चारों तरफ सुगंध फैलने लगती है। तो कवि ने कहा, रैदास कवि कहते हैं कि आपकी भक्ति करते हुए, आपके संपर्क में आने से, आपकी भक्ति करते हुए, आपकी भक्ति का जो मेरे ऊपर रंग चढ़ गया है उसकी जो चारों तरफ जो है वह फैल रही है, यानी कि मैं भक्ति कर रहा हूं, ये इसकी चर्चा जो है चारों तरफ से लोगों के बीच में समाज में हो रही है। जैसे कहा बताया कि चंदन का सुगंध जो होता है शरीर पर लेप लगाने में चारों तरफ उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी तरह से आपके संपर्क में आने पर, मेरी आपकी भक्ति करने पर उसकी भक्ति जो है, मेरी भक्ति जो है चारों तरफ फैल गई है, तो फैल रही है। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि मेरा और आपका संबंध कैसा होना चाहिए, यानी चंदन और पानी की तरह, जिस तरह से चंदन का लेप शरीर पर लगाने में क्या है उसका सुगंध फैलने लगती है, उसी तरह से आपकी भक्ति जो है मेरे अंग अंग में समा गई है और मैं ऐसे भक्ति आपका कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी, तुम बन घन मोरा, यानी तुम एक घनघोर बादल की समान हो और मैं एक जो है मोर की समान हूं। जिस तरह से जब घनघोर बादल जब गड़गड़ाता है तो उससे मोर जो होता है प्रसन्नचित होकर के वह क्या है नाचने लगता है, इसी तरह से जब भक्ति का रंग आप मेरे ऊपर जब चढ़ जाता है तो मैं प्रसन्नचित होकर के मेरा मन जो है वह भक्ति में नित्य करने लगता है, यानी आनंदित हो जाता हूं। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी, जैसे चितवत चंद चकोरा, मेरा और आपका संबंध जो है चांद और चकोर की तरह है, आप एक चांद के समान हो और मैं एक चकोर पक्षी की तरह हूं। जिस तरह से चकोर पक्षी जो होता है चंद्रमा की सुंदरता को देखता रहता है, उसी तरह से मैं आपसे भक्ति करते हुए आपका दर्शन करता रहता हूं और मुझे मेरे आत्मा को तृप्ति होती है, आनंदित मैं होता रहता हूं। फिर रैदास कवि ने बताया कि प्रभु जी, तुम दीपक मैं बाती। प्रभु जी, मैं आपसे भक्ति करते हुए मेरा संबंध आपके साथ एक दीपक और बाती की तरह है, क्योंकि जिस तरह से दीपक के संपर्क में आकर बाती जो क्या करती है वह दिन रात जलती रहती है और उसकी लौ जो है प्रकाश जो है पूरे समाज के अंधकार को वह दूर करता रहता है, उसी तरह से मुझे आपके संपर्क में आने पर, आपकी भक्ति करता हूँ तो उस भक्ति की जो प्रकाश जो होती है चारों दिशाओं में फैलने लगती है। फिर उन्होंने कहा कि कवि रैदास कवि ने बताया कि आपके संपर्क में रह करके मैं रात दिन आपकी भक्ति करता रहता हूँ और उस भक्ति में मैं अपने आप को समर्पित करता रहता हूँ, जलाता रहता हूँ। जिस तरह से दिए के संपर्क में आकर के बाती जलती रहती, दिन रात जलती रहती है और जल करके अपनी
जो प्रकाश जो है फैलाती है, जिससे संसार का सारा अंधकार मिट जाता है। उसी तरह से आपके संपर्क में होकर के मैं जो भक्ति करता हूँ, तो भक्ति की जो चारों तरफ फैलती है, जिससे क्या है कि पूरा समाज में क्या है उस प्रकार से ज्ञान का लोगों तो को मिलता रहता है। फिर उन्होंने बताया कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यानी प्रभु आप एक मोती हो, जिस तरह मोती की कीमत होती है और उसके अंदर जब धागा पिरोया जाता है तब तो वह एक माला बन जाती है। तो उन्होंने कहा आपके संपर्क में आने पर मेरा भी महत्व बढ़ जाता है, जिस तरह से मोती के संपर्क में धागा के आने पर माला का निर्माण हो जाता है, माला बन जाती है और उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह से उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपके संपर्क में आने से मेरी भी कीमत हो गई है, मेरा भी महत्व बढ़ गया है। इसलिए आप एक मोती के समान हो और मैं एक धागा के समान हो, जो मैं आपके अंदर में पिरोया गया हूँ। मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आप में ही समाया हूँ, आपसे मैं अलग नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जैसे सोने मिलत सुहागा, उन्होंने कहा जिस तरह से सोने में सुहागा मिलने से, जिस तरह से आभूषण सोने जब बनाता है, सुनार बनाता है, तो सोने का आभूषण बनाते समय उसमें क्या है सुहागा मिलाता है, तो सुहागे को जब मिलाते समय सोने के साथ उसका भी क्या है महत्व बढ़ जाता, कीमत बढ़ जाता। तो उन्होंने कहा कि आप सोने के समान हो और मैं एक सुहागा हूँ, तो जिस तरह से आपके संपर्क में आने से मेरा भी क्या महत्व बढ़ जाता है। फिर अरदास कवि ने उन्होंने कहा अंत में कि हे प्रभु तुम स्वामी हम दासा, यानी कहें कि हे प्रभु तुम एक स्वामी हो और एक दास हो। जिस तरह से दास का कर्तव्य होता, सेवक का कर्तव्य होता अपने स्वामी की का सेवा करना, उस तरह से मैं आपके भक्ति कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ और उसी तरह से हमारा और आपका संबंध है, और मैं इस इन्हीं सब संबंधों के साथ से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मैं चंदन और पानी की तरह, मैं जो घनघोर बादल और मोर की तरह, चांद और चकोर की तरह, दीपक और बाती की तरह, उसके बाद उन्होंने कहा कि सोने और सुहागे की तरह, मोती और धागा की तरह और नौकर और मालिक की तरह। तो इस तरह से जितने उदाहरण उन्होंने दिया है कि इसका एक संबंध होता है, वैसे मैं भी आपके साथ इन्हीं संबंधों के साथ मैं आपके निकट रहना चाहता हूँ और आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, यानी हर तरह से रैदास कवि ईश्वर के समीप रहना चाहते हैं। तो बच्चों मैं आपको इसका भावार्थ यही है और आपको मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया है। अगर आपको ज्यादा और जानकारी लेना है तो सीबीएसई जो .line पे है, diksha.com, उस पे आप बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसमें से देख सकते हो। तो थैंक यू।